जलवायु परिवर्तन के बारे में सबसे चिंताजनक भविष्यवाणियों में से एक साक्षात रहा है। पूर्वी अंटार्कटिका के तट से समुद्र के माप के आधार पर नया शोध दिखाता है कि अंटार्कटिक हिमनद पिघलते हुए वास्तव में उनके चारों ओर महासागर को ताजा कर रहे हैं। 2 साल पहले पूर्व नासा के जलवायु वैज्ञानिक जेम्स हेमसेन और कई सहयोगियों ने एक गंभीर परिदृश्य प्रस्तुत किया जिसमें पिघलने वाले ग्लेशियर से ताजा पानी के विशाल दालों महासागरों के संचलन को बढ़ा सकते थे, जिससे तेजी से बढ़ते समुद्र और यहां तक कि सुपरस्टॉर्म हसन का परिदृश्य कंप्यूटर सिमुलेशन पर आधारित था, असली दुनिया से कठिन डेटा नहीं। और कई अन्य जलवायु वैज्ञानिकों से संदेह से मुलाकात की, लेकिन अब एक नए महासागरीय अध्ययन ने इस तस्वीर के एक पहलू की पुष्टि की है, कम से कम शुरुआती चरणों में। पूर्वी अंटार्कटिका के तट से समुद्र के माप के आधार पर नया शोध दिखाता है कि अंटार्कटिक हिमनद पिघलते हुए वास्तव में उनके चारों ओर महासागर को ताजा कर रहे हैं और बदले में एक प्रक्रिया को अवरुद्ध कर रहा है जिसमें सर्दी में समुद्र की सतह के नीचे ठंडा और नमकीन महासागर पानी डूबता है, जो विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता अध्ययन के लेखक किलेसेंड्रो सिल्वानो के शब्दों में पृथ्वी पर घने पानी का निर्माण करता है। हॉबिट ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया का इस तथा कथित अंटार्कटिक नीचे पानी अंटार्कटिका के दो प्रमुख क्षेत्रों में बना रहा है। अनुसंधान कार्यक्रम पश्चिम अंटार्कटिक तट और पूर्वी अंटार्कटिका में विशाल टोटिंग ग्लेशियर के आसपास तट। ये अंटार्कटिका के दो सबसे तेज पिघलने वाले क्षेत्र हैं और कोई आश्चर्य नहीं जब ठंडे सतह का पानी अब गहराई में डूबता नहीं है तो गर्म समुद्र के पानी की गहरी परत महाद्वीपीय शेल्फ में यात्रा कर सकती है और हिमनदों के आधार तक पहुंच सकती है। इसकी गर्मी बरकरार रखती है, ठंडा पानी ऊपर रहता है। यह गर्म पानी तब ग्लेशियरों और उनके साथ जुड़े बड़े फ्लोटिंग बर्फमारियों को तेजी से पिघला देता है। दूसरे शब्दों में अंटार्कटिका के ग्लेशियरों की पिघलने से फीडबैक लूप ट्रिगर होता प्रतीत होता है, जिसमें महासागरों पर इसके प्रभाव के माध्यम से पिघलने लगते हैं, फिर भी पिघलते हैं। पिघलने वाला पानी सागर कॉलम को स्तरीय करता है। सतह पर फंसे ठंडे ताजे पानी और नीचे बैठे गर्म पानी के साथ निचली परत हिमनद पिघलती है और अभी भी अधिक पिघला हुआ पानी बनाती है। बढ़ते समुद्रों का जिक्र नहीं करना क्योंकि हिमनद द्रव्यमान खो देते हैं, सिल्वानो ने कहा। जो हमने पाया वह न केवल मॉडलिंग अध्ययन है बल्कि वास्तविक सागर में हमने देखा है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और जापान के कई अन्य संस्थानों के सहयोगियों के साथ विज्ञान अग्र में शोध किया। हमारा अध्ययन पहली बार इस तंत्र के वास्तविक साक्ष्य के लिए दिखाता है। हमारे अध्ययन से पता चलता है कि यह पहले से ही हो रहा है, हेमसेन ने कहा कि यह अध्ययन प्रक्रियाओं का एक अच्छा छोटा सा उदाहरण प्रदान करता है जिसे हम अपने पेप में बात करते हैं। हसन ने ईमेल द्वारा कहा, बड़े पैमाने पर मुद्दे पर यह कहना बहुत जल्दी है कि अनुभव प्रतिक्रियाओं के आधार पर ये प्रतिक्रिया प्रक्रिया कैसे खेलेंगी। अगर हम सामान्य रूप से व्यापार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन दर पर रहते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि जारी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि ताजा पानी इंजेक्शन दर में वृद्धि होगी, मुख्य रूप से बर्फ तेजी से बर्फ शेल्फ ब्रेकअप और पानी के नीचे पिघलने के माध्यम से, और समुद्री बर्फ क्षेत्र बढ़ेगा। यह प्रयोग अगले वर्षों और दशकों में खेल रहा होगा। नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च में एक महासागरीय मेथिलोंग के अनुसार अध्ययन मौजूदा साहित्य के एक बड़े शरीर के साथ संगत है जो दक्षिणी गोलार्ध में गहरे महासागर की वार्मिंग और ताजा दिखाता है। लान ने कहा, तथ्य यह है कि हम लगातार वार्मिंग और फ्रेशेनिंग देखते हैं कि इंगित करता है कि अगली
शताब्दी में हम जिन प्रक्रियाओं को खेलना चाहते हैं, वे पहले ही चल रहे हैं। दरअसल यह अध्ययन साक्ष्य के बढ़ते शरीर का हिस्सा है जो बताता है कि दुनिया के महासागर बदल रहे हैं और परिवर्तन की गति में तेजी आ रही है। यदि एंटार्कटिक नीचे पानी के गठन की प्रक्रिया कम से कम कुछ क्षेत्रों में कम हो रही है, तो यह एक प्रक्रिया के दक्षिणी गोलार्ध एनालॉग होगा जो पहले से ही बहुत चिंता का कारण बन गया है और काफी अधिक ध्यान आकर्षित किया है। उल्टा परिसंचरण की संभावित मंदी उत्तरी अटलांटिक महासागर। ग्रीनलैंड के पिघलने से सागर के ताजे होने के लिए धन्यवाद। पोट्सडेम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च के एक वैज्ञानिक स्टीफन रिहमस्टॉर्फ ने कहा, गहरे पानी के गठन के उन दो प्रमुख क्षेत्रों में उत्तरी अटलांटिक को व्यापक रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिक संवेदनशील माना जाता है, जो कहते हैं कि उन्हें गठन में बदलाव मिला है। उत्तरी अटलांटिक में घने गहरे पानी, इसलिए यह कुछ चिंता का विषय है कि अब हम बढ़ते संकेत देख रहे हैं कि अंटार्कटिका के आसपास गहरे पानी के गठन पहले ही प्रभावित हो रहे हैं। रिहमस्टॉर्फ ने अतिरिक्त अध्ययनों की ओर इशारा किया जो यह भी सुझाव देते हैं कि अंटार्कटिक नीचे पानी का गठन बदल रहा है। एक मामले में दक्षिणी हिंद महासागर से माप पर निर्भर एक 2017 अध्ययन, जहां दक्षिणी महासागर छोड़ने के बाद अंटार्कटिक नीचे पानी यात्रा करता है, पाया कि यह गहरा पानी समय के साथ विशेष रूप से पिछले दशक में ताजा बढ़ रहा है। हालांकि वर्तमान अध्ययन के साथ एक सीमा यह है कि शोधकर्ताओं ने पाया है कि गहरे पानी दो प्रमुख अंटार्कटिक क्षेत्रों में नहीं बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये नहीं कह सकते कि इन क्षेत्रों में बदलाव कब हुआ। अध्ययन लेखक सिल्वानो ने कहा, माप इसके लिए काफी दूर नहीं जाते हैं, इस प्रकार यह संभव है कि इन क्षेत्रों में गहरे पानी के गठन ने लंबे समय से पहले बंद कर दिया। तीव्र जलवायु वार्मिंग की आधुनिक अवधि से पहले इससे मानव प्रभावित जलवायु परिवर्तन पर वर्तमान घटनाओं को पिन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अध्ययन द्वारा पता लगाया गया तंत्र, जिसमें ग्लेशियरों से ताजा पानी सतह पर ठंडे पानी के डूबने से रोकता है, संभवतः लागू होना जारी रखेगा। सिल्वानो ने कहा कि उनकी मुख्य चिंता यह है कि महासागर द्वारा पिघलने के अलावा अगर अंटार्कटिका आगे बढ़ती है तो अंटार्कटिका भी इसकी सतह पर पिघलने लग सकती है, जिससे समुद्र में बहुत अधिक पिघला हुआ पानी होता है। अब तक ग्रीनलैंड के विपरीत यह ज्यादातर अंटार्कटिका में नहीं हो रहा है, लेकिन यह हो सकता है। सिल्वानो ने यह भी कहा कि अगर अंटार्कटिक नीचे पानी का गठन धीमा हो जाता है तो वैश्विक परिणाम बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। प्रक्रिया गर्मी की सतह और कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र की सतह के नीचे गहरी है, उस प्रक्रिया के बिना गर्मी और CO2 वायुमंडल में रह सकती है और फिर महासागर और ग्लेशियरों के बीच प्रतिक्रिया जारी रहने पर समुद्र के स्तर बढ़ने की समस्या है। सिल्वानो ने कहा, विचार यह है कि सागर के तेजी से पिघलने और वार्मिंग के इस तंत्र ने दूसरी बार समुद्र स्तर की वृद्धि को जन्म दिया, जैसे कि पिछले हिमनद अधिकतम। जब हम जानते हैं कि तेजी से समुद्री स्तर की वृद्धि प्रति मीटर 5 मीटर थी और हमें लगता है कि यह तंत्र तेजी से समुद्र स्तर की वृद्धि का कारण था। भविष्य में उन्होंने कहा, यह संभव है कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ अंटार्कटिका के कुछ अन्य क्षेत्रों में नीचे पानी का निर्माण की पूरी रोकथाम दिखाई देगी और फिर यह प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी।